मेरे हाथ पे, ये देखो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज हम जा रहे हैं अनबॉक्सिंग करने इस मशीन गन की। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि इसके बॉक्स पे क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फिर हम इसको खोलेंगे, इसमें सेल लगाएंगे और देखेंगे, टेस्ट करेंगे कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों ये रहा प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हो बॉक्स पे बनी हुई है एक मशीन गन जो कि बहुत बड़ी है, और इसका साइज भी लिखा हुआ है यहाँ पे 25 इंचेस, और यहाँ पे आप देख सकते हो हाई टॉय सेट लिखा हुआ है, ये इसका ब्रांडिंग होती है। विथ फ्लैश लाइट साउंड इफेक्ट मिलता है दोस्तों हमारे को इसमें, और सुपीरियर परफॉर्मेंस मिलती है। इसमें अटैचमेंट दिखाया हुआ है दोस्तों कि ऑन ऑफ कहाँ से होता है, वाइब्रेशन ट्विंकलिंग ऑफ लाइट कहाँ से होती है, और ये आपका 360 डिग्री जो इसके अंदर बुलेट्स हैं वो कैसे घूमती हैं, और इसके अंदर यहाँ पे भी अटैचमेंट जैसे जैसे होना है गन के अंदर वो सबको शोकेस किया गया है। सेम पिक्टोरियल डिज़ाइन पीछे भी मिलता है, नीचे बैटरी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितनी बैटरी लगेंगी इसके अंदर, वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसकी साइड से हटाते हैं टेप और इसको करते हैं अनबॉक्स। तो ये आता है एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग के अंदर, जो कि एक सॉलिड कार्डबोर्ड पैकेज है। इसको हम खोलते हैं और इसके अंदर से मिलती है हमारे को पॉलीथिन, जिसके अंदर मिलती हैं अलग अलग इसकी अटैचमेंट्स। तो एक एक करके हम सारी अटैचमेंट निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये सारी अटैचमेंट निकल गई हैं और ये हो गया है बॉक्स पूरा खाली। इसको रख देते हैं हम साइड में। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये रही ये गन, ऑन ऑफ का बटन ये रहा, और हम इसकी अब सारी अटैचमेंट इसके अंदर लगा देते हैं। तो ये रहा दोस्तों, इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये आगे जब क्लिक मैकेनिज्म है, तो क्लिक मैकेनिज्म अगर हम करेंगे तो ये अटैच हो जाएगा, और इसको हम निकालेंगे भी बाहर तो हल्के सा प्रेशर से ही हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये हो गया बंद, और इसके अंदर ये लगना है, ये भी हम लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर हैंडल लगा लेते हैं पीछे। तो ये रहा हैंडल इसका, इसको हमें करना है ऐसे अटैच। ये स्लाइड मैकेनिज्म है दोस्तों, स्लाइड मैकेनिज्म से ये हो गया अटैच, और ये जो लगना है ये लगाना है हमारा इसके ऊपर। तो ये जो दोस्तों होता है आईपीस देखने के लिए, किस दुश्मन को टारगेट पे लेना है, तो ये हमारे का स्लाइड मैकेनिज्म से ही इसमें अटैच हो जाएगा। और ये रहा दोस्तों, इसके अंदर एक आता है ये थ्रेड, जो कि एक पट्टा है जिसको आप बच्चों के गले में भी डाल सकते हो, जिससे वो इस प्रोडक्ट को गिराए नहीं। अब इसके अंदर बात करते हैं दोस्तों इसके सेल की, कि सेल की कैविटी कहाँ पे है। तो सेल की कैविटी दोस्तों यहाँ पे है, इसको हमें बस नीचे की तरफ स्लाइड करना है, जो कि एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स्ड है। और इसके अंदर लगाने हैं हमारे को दो सेल, दो नहीं तीन सेल, एक सेल इसके अंदर भी जाएगा दोस्तों, यहाँ से एक सेल जाएगा, दो सेल यहाँ पे लगेंगे, और ये लगनी है दोस्तों हमारी ट्रिपल ए बैटरी। तो ट्रिपल ए बैटरी के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेल लगना है ऐसे, और बाकी जो दो सेल लगने हैं वो जाना है ऐसे अंदर की तरफ। एक अंदर चला गया और इसके बाद ये लग गया एक और फिर उसके बाद दोस्तों स्लाइड मैकेनिज्म से हम इसको कर देंगे यहाँ से बंद। अब हमारे को क्या करना है दोस्तों, ऑन ऑफ का बटन यही वाला है, जो ये वाला है, इसके अंदर हमें इसको ऑन ऑफ को दबाना है, तो ऐसे चलता है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमने एक चीज़ और जो है वो है ये, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। ये इसकी बुलेट्स हैं जो कि 360 डिग्री पैटर्न आपने देखा था वो क्रिएट करेंगी। तो हम जल्दी से इसकी को पॉलिथिन में से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों, इसके अंदर जो ये बुलेट्स लगनी है, इसको हम ऐसे लगा लेते हैं। तो हम जब इसको यहाँ पे लगाएंगे ना, तो हम एक बार इसको चला लेंगे जिससे आगे आ जाए। तो ये बीच में आप देख सकते हो दोस्तों, ये आधे में आ गई। ये आप जबरदस्ती मीन्स इसको अटैच करने की कोशिश मत करना, घुसाने की कोशिश मत करना, हो सकता है फिर वो टूट जाए। लेकिन आप इसको लगा के सिर्फ एक बार बुलेट को रन कर सकते हो, मीन्स गन को रन कर सकते हो। फिर उसके बाद इसके अंदर अटैचमेंट है, ये भी एक क्लिक मैकेनिज्म है दोस्तों, इससे आप 360 डिग्री अपनी बुलेट्स को दूसरा पार्ट भी अटैच कर सकते हो। तो ये आपके हो गए दोनों पार्ट अटैच। तो आप देख सकते हो इसको, और दोस्तों इसके साथ हमारे को मिलता है ये इसका एक स्टैंड, जो कि आपने देखा होगा बहुत सारी गन्स में आता है, जिससे आप इसको रख के और निशाना लगाते हो। तो इसके अंदर एक ऐसा ये आपका ये हेक्सागन आता है ऊपर अटैचमेंट के लिए, और यहाँ पे भी एक हेक्सागन बना हुआ है, इसके अंदर बस आपको ऐसे ही अटैच करके फिक्स करना है। तो आपका ये एक स्टैंड हो गया, आप इसको ऐसे रख सकते हो, बच्चे ऐसे करके कहीं पर निशाना लगा के शूट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर क्वालिटी की बात करूं, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर हमारे आगे मिलता है वाइब्रेशन मैकेनिज्म, जो कि आगे पीछे होता है, तो गन के अंदर आप फील कर सकते हो
कि ये वाइब्रेट हो रही है, मींस कोई ना कोई शॉट निकल रहा है इसके अंदर से। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं डिटेलिंग की बात करूँगा, डिटेलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करी गई है इसकी। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये स्टैंड है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको पीछे भी कर सकते हो, लेकिन बच्चे जैसे कि कहीं पे रख के निशाना, एकदम जैसे सोल्जर के अंदर पिक्चर के अंदर दिखाते हैं ना, ऐसे करके निशाना लगाते हैं, तो वैसे बच्चे अगर लगाना चाहते हैं, इससे खेलना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। एंड एक चीज़ दोस्तों मैंने और नोटिस करी कि इसके अंदर एक लेज़र लाइट है, आप देख सकते हो मेरे हाथ पे, ये देखो। तो इसके अंदर से लेज़र लाइट यहाँ से निकलती है दोस्तों, ये देखो, ये रही लेज़र लाइट इसके अंदर, अगर आप देखोगे तो देखो, ये लेज़र मैंने अभी कैमरे में मारी, तो आपने भी नोटिस करा होगा, ये लेज़र बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत दूर तक जाती है। एंड दोस्तों इसकी डिटेलिंग की वजह से आप इसको अपने लिविंग रूम में एज अ शोपीस भी रख सकते हो, कोई बता नहीं सकता कि ये ओरिजिनल है या फिर ये एक फेक प्लास्टिक प्रोडक्ट है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी अनबॉक्सिंग।